अगर आपने प्रोमोज देखे होंगे तो देखने को ये मिल रहा है कि एक बाप है, उसकी एक बीवी है, दो बच्चे हैं, और भेदभाव है बच्चों में। बाप एक बच्ची से बहुत प्यार करता है और एक से नफरत करता है। उसकी जो बड़ी बेटी है उससे नफरत करता है और छोटी से बहुत ही प्यार करता है। तो जाहिर सी बात यह है कि ये लड़के को लेकर मसला नहीं है कि वो उसे लड़का चाहिए था और उसे लड़की मिल गई, इस वजह से वो अपनी बेटी से नफरत करता है, क्योंकि वो एक बेटी से बहुत प्यार करता है। ना ही ये वो काले सफ़ेद का मसला है कि एक बेटी काली है और दूसरी गोरी है तो वो काली से नफरत करता है। अगर आप दोनों बच्चों को देखेंगे तो देखने में बिल्कुल ठीक हैं, उनमें ऐसी कोई खामी नहीं है। तो जिस मुद्दे को हमने उठाया है वो एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे सोसाइटी में बाकायदा है, लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं, ना जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मुद्दा है ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में है, और इस मुद्दे को हमने उठाया है, इसके ऊपर हमने एक कहानी आधारित की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। इसकी ऑन लोकेशन शूटिंग कहाँ कहाँ पे आपने की है? हमने इसकी शूटिंग चंडीगढ़ में की है, छोटे से एक पिंड में, वहाँ एक गांव था, कस्बा था जिसे पिंड कहते हैं, हमने वहाँ शूट की। कुछ 20-22 दिन हमने वहाँ शूटिंग की है, और उसके बाद हमने यहाँ बॉम्बे में शूटिंग की है। कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत ही कमाल, वहाँ के लोग बहुत प्यारे थे, इतना इनोसेंस। जब हम यहाँ शहर में आते हैं तो हम कुछ थोड़े डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, हम ज़िंदगी के दौड़ में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम इंसानियत को भूल जाते हैं। और जब मैं चंडीगढ़ गया और जब हम गांव में हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो इतने बड़े दिल लोग, इतना प्यार, इतनी इज्जत, दिल को छू गया उनका वो बिहेवियर। मुझे लगा कि वाकई अगर आप इंसानियत देखना चाहते हैं तो छोटे छोटे गांव में जाइए आप, और वहाँ आपको बाकायदा इंसानियत दिख जाएगी। ऐसा कोई वाक्य है जो आप भूल ना पाए यहाँ आ गए मुंबई में? सॉरी, वाक्य कोई हो वहाँ हर का? दिन वहाँ कुछ एक नया वाक्य था। वहाँ के जो लोग थे इतने अदब से पेश आते थे, इतने प्यार से पेश आते थे, इतना रिस्पेक्ट देते थे, घंटों तक बैठे रहते थे अगर आपसे बात करना चाहते थे, फिर भी रिक्वेस्ट करते थे आपसे बात करने के लिए। तो काफ़ी हम्बलिंग मोमेंट होता था वो, जब उनका वो डिमीनर देखना, उनका वो रवैया देखना। और फिर अपने आप पर जब मैं अपने आप के बारे में सोचता था, मैं कभी कभी सोचता था कि मैं काफ़ी काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ उन लोगों से, और सीखने को बाकायदा बहुत मिला मुझे वहाँ। बात कर अय्यूब खान की, वो इतना स्ट्रिक्ट तो है नहीं, लेकिन सीरियल में दिखाया गया कि एक बेटी के साथ स्ट्रिक्ट है और जी एक बेटी जी के साथ जी है नहीं, जी तो ऐसे कैसे उनके? जैसे कि मैंने कहा, ये एक मुद्दा है, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि मनिंदर का जो कैरेक्टर है वो गांव से जुड़ा हुआ है, उसकी सोच इतनी बड़ी नहीं है, उसने ज़्यादा दुनिया देखा नहीं है, तो वो अंधविश्वास में काफ़ी यकीन रखता है, वो परंपराओं में ज़्यादा यकीन रखता है। इस वजह से क्योंकि आज की जो दुनिया है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, उसके सोचने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि ही इज़ नॉट कीपिंग अप टाइम्स, दैट इज़ वाई हिज कैरेक्टर इज़ द वे यू सी हिम। कहीं ना कहीं भारत में मतलब ये अंधविश्वास वाला चीज चल ही रहा है। अंधविश्वास, पुरानी सोच, पुराने रवैये, इसको लेकर बहुत भेदभाव होता है, और हमें सबसे उठकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बॉलीवुड की बात करें और ये सीरियल की बात करें, इन दोनों में आपको कितना डिफरेंस देखने में मिलता है, जैसे कि आप काम करती हैं दोनों में? जी, सिर्फ काम करने का तरीका में फ़र्क आता है। जहाँ तक पॉपुलैरिटी का सवाल है, जहाँ तक रीच का सवाल है, मैं तो हैरान हूँ कि आज टेलीविज़न का जो मार्केट हो गया है वो कितना बड़ा हो गया है। जैसे कि मेरा जो शो कलर्स पर था, उतरन, जोगी ठाकुर जी, का कई देशों में वो दिखाया जा रहा है, और कई देशों से लोग मुझे फ़ोन करके मुझे बधाइयाँ देते हैं, मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मिलने की कोशिश करते हैं। और मैं बस यही मानता हूँ कि एक्टर की क्या तमन्ना है, एक्टर की ये तमन्ना है कि उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसके काम को सराहा जाए। और टेलीविज़न ने मुझे वो इज़्ज़त दी जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। मतलब आपका सफर काफी अच्छा।
ऊपर वाले की कृपा रही है मुझ पर, लोगों का प्यार रहा है, ऑडियंस का प्यार रहा है मेरे साथ. मैं पता नहीं इस प्यार के लायक हूँ कि नहीं, मगर उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिला है मुझे. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि इसमें जो हरियाणा, तो आप लोग हरियाणवी बने? नहीं, पंजाबी. सरपंजी जी, तो एक कोई डायलॉग बोलेंगे? वैसे इतना तकलीफ है बोलने में यार. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, तो कितना स्ट्रेस आया होगा मतलब शूटिंग के वक्त? कितना प्रॉब्लम्स आई होगी आप लोगों को? प्रॉब्लम्स तो नहीं आए हैं. इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड यूनिट. हमारा जो शो है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके काफ़ी काफ़ी शोज फिलहाल अभी ऑन एयर हैं. बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, चैनल तो बहुत ही रेप्यूटेड है, नंबर वन चैनल है, और इसकी वजह से इसके सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. बस यही है कि बहुत सारे घंटे देने पड़ते काम पर, 12-12 घंटे. अब तो थोड़ी बहुत आदत हो गई है इस तरह काम करने की, मगर हाँ, मैं उन दिनों को हमेशा याद करता हूँ जब हम 9 बजे काम करने आते थे और 6 बजे घर चले जाते थे. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू.